आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। कलेक्टर के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में लगे अधिकारी कर्मचारियों से मोटी रकम ऐंठी। साइबर ठगों के निशाने पर इन दिनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं। अधिकारियों के फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर साइबर ठग अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। कलेक्टर के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगों द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में लगे अधिकारी कर्मचारियों से मोटी रकम ऐंठी जा रही है। जिनके नाम की फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगों ने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, हालांकि वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ कलेक्टर्स के नाम पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी के मामलों ने सरकार के कान खड़े कर दिए। अपने नाम पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी की कोशिश के मामले में अलीराजपुर कलेक्टर अरविंद बेलकर ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मुझे ऐसा लगता है घटनाक्रम कुछ यूं है कि किसी एक व्यक्ति ने हमारे कलेक्टर्स की जो लिस्ट होगी शासकीय डायरी से या कहीं से एक लिस्ट उठाई, उसमें सभी कलेक्टर्स के उन्होंने व्हाट्सएप अकाउंट बनाना शुरू किए, जिसमें मेरा अकाउंट भी बनाया और नीचे बकायदा मेरा पूरा नाम लिख के अभय अरविंद बेडेकर और उसमें मेरी फोटो लगा के मेरे जो कुछ परिचित लोग हैं डिप्टी कलेक्टर्स हैं जो मेरी लिस्ट में होंगे उन लोगों को या उन्हें पता चला होगा कि अलीराजपुर कलेक्टर हैं तो अलीराजपुर के जितने डिप्टी कलेक्टर हैं उन सब लोगों को उन्होंने मैसेज भेजना शुरू किया कि मैं अब जैसे ही मेरा फोटो देख के मैसेज गया तो लोगों को लगा कि मेरा ही मैसेज है, तो उन लोगों ने बात की, फिर उन्होंने उसमें जब पैसे मांगे कि 51,000 रुपये भेजें तो शायद एक दो जो हमारे कलीग्स हैं डिप्टी कलेक्टर से उनको शंका हुई कि कलेक्टर साहब पैसे क्यों मांग रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे फोन लगा के पूछा सर ऐसे ऐसे कोई आदमी कर रहा है या तो आप हैं या कौन है। तो फिर मैंने उन्हें तत्काल बताया कि ये मैं नहीं हूं और ये किसी ने मेरा अकाउंट बना लिया है, और फिर मैंने एक खंडन भी जारी किया व्हाट्सएप पर ही कि मेरा इस तरह किसी ने बना लिया है, कृपया इस तो किसी भी प्रकार से कोई मदद न की जाए। फिर हमारा एक डिप्टी कलेक्टर्स और आईएएस अधिकारियों का ग्रुप है, उसमें भी मैंने डाला कि कोई आदमी इस तरह से फ्रॉड कर रहा है। तो मैं सभी लोगों को इस तरह से कहना चाहूंगा कि अगर इस टाइप से कभी भी कोई व्यक्ति इस टाइप से पैसे व्हाट्सएप पर अगर मांगता है या कोई आपका परिचित इस तरह से कहता है तो एक बार उस व्यक्ति को फोन लगा के कंफर्म कर लेना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि क्या ये आप ही हैं या कोई और आपका नाम का दुरुपयोग कर रहा है, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर नंबर कहाँ से था? ये नंबर +94 शुरुआत में था, जैसे +91 इंडिया की शुरुआत है, तो +91942501859 ये मेरा नंबर है। इसमें +94 था तो मैंने पता किया था श्रीलंका का नंबर था, हो सकता है किसी व्यक्ति ने श्रीलंका से नंबर हॉप कराया हो या वास्तव में श्रीलंका का नंबर हो। हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी साइबर सेल में, अब वो उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।